अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं किसी की फरमाइश पे कुछ बनाने जा रही हूँ। क्या बनाऊँ इसका, क्या बनाऊँ? ट्रेंड तो ये ट्रेंड बहुत चल रहा था, तो मैंने कहा चलिए मेरे बेटे के साथ ये ट्रेंड कर लेते हैं। तो जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं चना कोली वड़ा, या इसे कहते हैं ढाबे वाला चना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रेशर कुक करना है ओवरनाइट सोक किया हुआ काबुली चना। हमें इसको ओवरनाइट सोक करना है, फिर उसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक, ये नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर इसको प्रेशर कुक करेंगे। ये प्रेशर कुक हमें तकरीबन जब तक वो गल नहीं जाते, यानी 3 से 4 सीटी ले लेना है हमें, तो वो अच्छी तरीके से गल जाएगा। फिर हम उसको निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सॉफ़्ट हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरह उसको सॉफ़्ट बन करना है, क्योंकि फ्राई में भी वो हो जाएगा। अगर आपका हल्का कच्चा है तो कोई टेंशन नहीं। तो अभी हम उसको छन्नी में निकल कर उसको सारा पानी निकाल देंगे। फिर हमें ले लेना है एक टोप, जो भी जिसमें आप मसाला तैयार करो उसमें डाल देंगे हम 4 चम्मच तेल, 1 टीस्पून हल्दी, नमक, ये लाल मिर्च पाउडर है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून हमें डाल देना है धनिया पाउडर का, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर का, और हमें ले लेना है गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा दाल की खुशबू के लिए अच्छी लगती है, ये 1/4 टीस्पून है, और ये 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। स्पाइसी आप इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं उसको एक पेस्ट के फॉर्म में तैयार कर लूँगी। फिर उसके अंदर डाल देंगे हम हमारे चने, चने के साथ साथ हमें डाल देना है राइस फ्लावर, या आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसन है, बेसन हमें डाल देना है। सारे डिटेल इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। और उसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हल्का हल्का पानी डाल के हमें उसको एक इसी तरह, जैसे आप लोग देख सकते हो एकदम पेस्ट, एक लिक्विड ही है, एकदम ड्राई नहीं है, बिल्कुल इसी तरह हमें उसका पेस्ट बना देना है। फिर यहाँ पर तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसके अंदर हम डाल देंगे हमारे सारे के सारे जो चने हमने मसाला लगाया है वो, और ये लहसुन की कलियाँ डालना भूलना मत, बट उसको एक क्रश करके डालिएगा, वरना वो फूटता है तो बहुत बुरा जल जाते हो और सब जगह तेल तेल हो जाता है, इसलिए हल्का सा उसको एक कुटनी से कुट देना और फिर डालना, तो वो फूटेगा नहीं। तो यह अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो मैंने उसको निकाल लिया एक प्लेट में, और यहाँ पे बन के रेडी हो गया। देखा कितना आसान था। और फिर इसके ऊपर हमें डाल देना है चाट मसाला। तो ये आप लोग को घर ही बैठे बैठे आप ढाबा स्टाइल का खा सकते हो, क्योंकि बारिश के मौसम में ढाबा जाने का सोच नहीं सकते हम, तो घर में क्यों ना बनाया जाए बारिश में। और जिसकी फरमाइश हो उसको तो जाके दे, हम ये देख सकते हैं बलाट साहब जो बैठे हैं सोफे पे, उनको जाके देना पड़ता है बारिश के मौसम में, उनको भी खाने का मन है। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करती हूँ मेरे बेटे के साथ। तो आप लोग ही बनाइए ये रेसिपी और मुझे बताना कि कैसी लगी आप लोग को ये रेसिपी, और उसको ज़रूर आप शेज़वान चटनी के साथ सर्व करिएगा, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक, इसको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप लोग फटाफट बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।